काफी दिन हो चुके हैं अब लॉकडाउन को, और आप में से काफी सारे लोग अपने घर से काम कर रहे होंगे। हम भी अपने घर से काम कर रहे हैं, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जो आप घर पे बैठे हैं तो आप कौन सी ऐसी एप्स को यूज करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा, मैं हूँ मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। तो इससे पहले कि मैं डिस्कशन को शुरू करूं, गौरव, हितेश, मेरा आपसे पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज हो नहीं सकती है फिलहाल, कि आप दोनों ने टी शर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हितेश भी नहीं। हुआ, मतलब इसके मन में चुप नहीं, नहीं नहीं। बट ये एक कमाल की चीज नहीं है हितेश? गौरव ने पिछले हफ्ते ही बात करी थी कि टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंच चुकी है आज कि इतना कुछ पॉसिबल हो पा रहा है घर से। गौरव, बहुत कुछ, इनफैक्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ऐसे कि जैसे चीजें नॉर्मल चल रही हैं, अब हमसे काम की अपेक्षा भी उस तरीके से की जा रही है कि जैसे चीजें नॉर्मल है, मतलब दिस हाउ इट वाज ऑलवेज, कि भाई ये 2 मिनट में चाहिए, मतलब 2 मिनट में कैसे हो जाएगा। इनफैक्ट शायद हितेश एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, जब आप ऑफिस में थे होते थे हम सब, तब लगता था कि ठीक है आने जाने में टाइम लग रहा है, आपने कुछ ब्रेक्स ले लिए बीच में, अब आप घर पे हो, अब ट्रैवल टाइम भी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको सुबह 8 बजे भी कॉल किया जा सकता है और रात के 12 बजे भी, मतलब इट्स लाइक नॉर्मल बट इट इज नॉट। मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी हालत ये नहीं है, जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सबका यही हाल है, पर ये कोई भी नहीं समझ रहा कि हम वर्क फ्रॉम होम, इट्स नॉट एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम, दिस इज कि हम लोग एक सिचुएशन है उससे डील कर रहे हैं, उसके साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें आई थिंक धीरे धीरे लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जॉब मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं सुन रहा है, कैसी बातें कर रहा है मानस, हमें इसके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए। आप काम कर रहे हैं ठीक है, काम इज द प्रायोरिटी, यार रुकनी नहीं चाहिए, वेकेशन नहीं है। चलिए गौरव, अब आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है, ऑफ कोर्स दैट इज एप्स। कुछ समय पहले एप्स होती नहीं थी, वेबसाइट पे आप जा सकते, आपको याद होगा वो टाइम जब 2G इंटरनेट होता था और आप वो फोन के ब्राउजर पे वेबसाइट खोलने की कोशिश करते थे और वैसे गोल गोल घूमती रहती थी, लोड होती रहती थी, और वहां से आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं। सो आई मीन या वही जैसे मैं बता रहा था कि आपका अगर लैपटॉप में आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि मोबाइल का इस्तेमाल करो यार, सब कुछ मोबाइल से हो सकता है। सो यस ऑफ कोर्स, जितने भी हमारे प्रोडक्टिविटी टूल हैं मतलब बिसाइड्स आर मशीन, वो सबके सब हम लोग को मतलब अपने फोन पे भी डालने पड़ रहे हैं ताकि काम ना छूटे और हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और मतलब हाँ, इट्स गुड, काश एप्स ना होती यार इस टाइम पे। तो ये गौरव का थॉट है, गौरव काफी लोग ना इस बात पे गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि बहुत लोग की जिंदगी इस समय एप्स से ही चल रही है। नितेश, कौन सी ऐसी एप्स हैं जो डिस्कवर करी आपने इस पीरियड में? देखिए मेनली तो वही वीडियो कॉलिंग एप्स हैं जो कि हम लोग इसलिए डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एक लार्ज यू नो ग्रुप कॉलिंग के लिए ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा पार्टिसिपेंट चाहिए। जैसे अभी गूगल डुओ में पहले 8 पार्टिसिपेंट ही आ सकते थे, अभी उन्होंने वो लिमिट एक्सटेंड कर दिया और वो 12 पार्टिसिपेंट अब आप एक ही वीडियो कॉल में ऐड कर सकते हो। तो जूम ऑफकोर्स है, हाउस पार्टी और एक और ऐप है, बहुत सारी ऐप्स हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सिमिलर ऐप्स हैं, बट उसके अलावा हम लोग उस तरह की ऐप्स यूज कर रहे हैं जो कि मोस्टली इंफॉर्मेटिव, जहां से हमें कुछ न्यूज मिल सकती है क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं। ठीक है, एक वन ऑफ द ऐप विच इज कोरोना के जो ट्रैकर ऐप्स हैं जो कि आजकल बहुत, इवन गवर्नमेंट ने भी कोरोना ट्रैकर ऐप्स लॉन्च किए हैं, एक गोवा की एक गोवा गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोरोना की ट्रैकर ऐप लॉन्च की विच इज कॉल्ड कोविड लोकेटर। तो उस ऐप में वो उन लोगों को ट्रैक कर रही है जो लोग की कोविड एज एन कोरोना सिम्टम्स इनको हैं और वो लोग क्वारंटीन में हैं, तो उन लोगों को वो उसके थ्रू ट्रैक कर रही है सो दैट दे डोंट गो आउट और दे डोंट स्प्रेड द वायरस एनी फर्दर। तो ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि जस्ट फॉर द ट्रैकिंग पर्पसेस, जस्ट टू सी कि क्या आप इस एरिया में हैं जहाँ पे कि कोरोना ज्यादा फैला हुआ है, तो आपको किस तरीके से प्रिकॉशन देने हैं। बहुत सारी ऐप आपको बहुत सारा डेटा बता रही हैं, बट इस चक्कर में फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ गए हैं, वो शायद आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले जूम की ही बात कर लेते हैं, एक एक करके सारी ऐप्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जूम की ही बात कर लेते हैं। जो जूम का सबसे बड़ा हाईलाइट है गौरव, वो ये है कि आप एक साथ 50 लोगों को वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, दैट इज इन द बेसिक प्लान, और आई थिंक ये वन ऑफ द फ्यू एप्स है जो आपको 10 से ज्यादा लोग अलाउ करती है
जोड़ पाना, जो उसका एक पॉपुलैरिटी का रीजन भी रहा है। एब्सोल्युटली, आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहा कि नंबर ऑफ पीपल जिनको आप जोड़ सकते हैं। इसीलिए होम यूजर्स के बिसाइड्स द होम यूजर्स इसको काफी ऑर्गेनाइजेशंस काफी इनफैक्ट गवर्नमेंट में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लग गया था। और ये समय हमें मानना पड़ेगा, ये समय वो है कि जहां चीजें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी अहमियत पता चल रही है, तो वहीं साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, बिकॉज वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से जहां भीड़ होती है वहीं क्राइम बढ़ता है। तो इनफैक्ट उस सेइंग के हिसाब से ही हर कोई यूज कर रहा है, और जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयट किया उन्होंने आपकी वल्नरेबिलिटीज को, काफी मतलब जोक सपाट काफी वरीसम भी है, बिकॉज पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काफी स्कूल जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन बच्चों के साथ, वो भी जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और जो मैंने पॉन्ड की बात की, सो इट्स नॉट अ जोक, मतलब हम लोग तो चलो मजाक में ले सकते हैं, बट यू रियली हैव टू बी वेरी कि आपके बच्चा अगर पढ़ रहा है एंड अगर इस तरीके की कोई ऐप या कुछ चीजें हो जाती हैं, तो आपको केयरफुल तो रहना पड़ेगा जरूर। तो ये बात मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देता हूँ कि हैकर्स के लिए कोई नई चीज नहीं है, वो लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम, उनका हमेशा से वर्क फ्रॉम होम रहा है, उनका ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो वो लोग आपके लिए उतनी, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको उस तरीके से, जितना भी साइबर क्रिमिनल्स आज की डेट में अगर आप देखोगे, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जो आपको सिर्फ एक मैसेज आ रहा है, उस पर लिंक आ रहा है कि आप कोरोना के कितने पेशेंट्स हो गए, इस जस्ट इस लिंक पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए। तो वो आपकी कुछ एपीकेस डाउनलोड कर लेता है पीछे से, स्टार्ट्स यू नो कुछ एक्सेस ले लेता है आपके फोन का। तो आपके ऐसे बहुत सारी ऐसी एप्स हो गए हैं, एप्स क्या छोड़िए, सिर्फ एक लिंक के थ्रू आजकल बहुत ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स जो है वो आपका मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। काफी फ्री सर्विसेज मिल रही है, आपको पता होगा, तो हम लोग का आई थिंक क्योंकि कई लोग जेनरसली भी अपनी ऐप सर्विसेज को फ्री में दे रहे हैं जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, तो आई थिंक हम लोग की कहने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि कोई बोले कि चलिए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मैं आपको फ्री एक्सेस दे रहा हूँ, तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये ठीक होगा, बट दैट्स द प्रॉब्लम, स्पेशली प्रॉब्लम साइट के साथ है जहां पर शॉर्टेंड यूआरएल करके आपको देते हैं, एंड शॉर्ट यूआरएल का एक ही प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो ये कि वो हैकर्स को विद देयर टूल्स इट्स वेरी इजी टू गेस। सिक्योरिटी वाले पार्ट पे मैं आपको बताएंगे अपने व्यूअर्स को कैसे वो लोग इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं और जो दूसरी एप्स पॉपुलर हुई है, हाउस पार्टी एक और ऐप है बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुई, उस पर आप गेम्स खेल सकते हैं, उस पर आप एक से ज्यादा मतलब चार से पांच फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो कॉल पे रह गए साथ साथ ही आप गेम्स खेल सकते हैं, अगेन सिक्योरिटी रीजन के लिए न्यूज में रही। फिर से एक बार लोगों ने कंप्लेन करी कि हमारा डेटा हैक हो रहा है। इसके अलावा MS Teams, Microsoft Teams है देश, आई थिंक प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज़्यादा एक्सेप्टेड ऐप है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक पेड टूल है, तो आपको मतलब नॉर्मल लोग इसलिए उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट इस सब में हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो एक वेटरन प्लेयर है विच इज स्काइप, वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया ऑल ऑफ अ सडन। स्काइप में उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ कॉल्ड मीट नाउ, और वो फीचर एक्चुअली है क्या कि इट लेट्स यू लॉग इन without any sign up or without any you know downloading the app. So let's say अगर आप admin हैं, आपने वो एक group chat create कर दी जो कि video call का एक link, आपने अपने जितने भी participants हैं जो भी attendee होंगे उस call के उनको आपने वो भेज दिया, they can just click on that link and join the call, and वो link expire भी नहीं होता for about 30 days which is Skype is saying, एंड उसको आप जब आप क्लिक करते हैं तो इवन आपके पास वो ऐप इंस्टॉल नहीं है या आपके पास लॉगिन नहीं है, आप स्टिल उस कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एक फीचर है ऑफ कोर्स। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, हमने ये तो देख लिया कि ऐप्स हैक हो रही है, डेटा रिस्क पर है, क्या क्या रिस्क है, किस तरह से डेटा हैक किया जा सकता है लोगों का? देखिए सबसे बेसिक, बिकॉज ज्यादा अगर टेक्निकलिटी में मैं ना जाऊं तो सिंपल लॉजिक यही जो डिक्टेट करता है कि कोई भी सर्विस आपको फ्री मिल रही है डेटा तो लेगी, जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं जो परमिशन ऐप आपसे मांग रही है, सो दैट इज द डेटा इट्स स्टोरिंग, सिंपल लॉजिक है राइट। और ये बड़े फेथ पे कि आप मान के चलते हैं कि यार मैं जिस सर्विस को यूज कर रहा हूँ वो मेरा डेटा ले रहे हैं टू इम्प्रूव माई सर्विसेज, इम्प्रूव माई एक्सपीरियंस, जो हर किसी का बहाना होता ही है। अब वो कैसे उस डेटा को यूज करते हैं, हाउ पीपल आर गेटिंग द डेटा, आई मीन एक्सप्लॉइटिंग द होल थिंग, आपके रियली हाथ में कुछ है नहीं, आपके हाथ में बस यही है कि जो आई मीन जो प्रिकॉशन आप अपने एंड से ले सकते हैं कि यू नो फाइंडिंग आउट कि भैया ये ट्रस्टवर्दी ऐप है नहीं है, आपको सेटिंग में रियली एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या फीचर्स चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए,
सो आई थिंक आप इतना ही चेक इन बाउंड कर सकते हैं, इसके अलावा आई थिंक एज अ यूजर, एक कॉमन यूजर और कुछ आई डोंट थिंक कर भी सकता है. एक्चुअली ये गौरव की बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि गौरव जो बोल रहे हैं कि हर एक ऐप आपका डेटा तो एक्सेस करती ही करती है, तो साथ जितनी भी ऐप्स आपके हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे आपकी फोटोज हो, कोई गैलरी हो, कोई कॉन्टैक्ट्स हो, या फिर आपके कोई कॉल रिकॉर्ड्स हो, कुछ ना कुछ तो वो एक्सेस कर रही है. पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, आपको उस चीज से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दोज आर कंपनीज, उनको वो प्राइवेसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई है, वो डेटा को ऑफकोर्स यूज करती हैं, बट शायद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बंदे का डेटा उठा के, डेटा सेट उठा के उसका कुछ मिसयूज नहीं करती, बट उनका कलेक्टिव जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज जरूर करती हैं. बट अगर इस चीज में बस एक ही चीज को ध्यान देना जरूरी है कि जो आपकी पॉपुलर कंपनीज हैं, जो पॉपुलर डेवलपर्स हैं, वो इस चीज का आपको, आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा चांसेस कम है कि वो इस तरीके का कुछ करेंगे. बट अगर इस टाइम की तरफ आप, हाँ, और अगर इस टाइम पे आप किसी एक नई ऐप जो कि बहुत कम डाउनलोड हुई है या वो नए डेवलपर है, दोज आर द एप्स यू शुड बी यू नो बिवेयर ऑफ, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो आपका डेटा जरूर मिसयूज कर ले. सर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐप शायद आपका डेटा शेयर ना करे, आप सिर्फ शायद से कलेक्ट कर रही हो, लेकिन अगर हैकर्स ने कोई वल्नरेबिलिटी निकाल ली उस ऐप के अंदर, तो वो उस डेटा को स्टील करके यूज कर सकते हैं. और अगर किसी को मतलब कोई भी डाउट है इस बारे में, तो स्नोडन करके एक मूवी है, स्नोडन की जो बायोपिक है वो देख लेना, मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा. उसके बाद आप अपना कैमरा वेबकैम कभी ओपन छोड़ेंगे नहीं. आप लोगों ने देखी है मूवी? बिल्कुल. क्योंकि वो आपको आपकी आंखें खोल देगी, जैसे कहते हैं आपकी आंखें खोल देगी गौरव. हाँ, मतलब मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कई बार लोग पूछते हैं कि आपने ये ट्राई किया वो किया, फिर मैं का मेरा आर्ग्यूमेंट वैसे रहता है कि यार मतलब नई चीजें ट्राई करने में डर लगता है. लेकिन उसके बाद भी गौरव कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा है, मुझे पता है. आप इस समय घर में अपने आपने वर्कआउट अपेरेंटली शुरू कर दिया है, और आप उसके लिए भी कुछ ऐप्स का यूज कर रहे हैं? ऑफकोर्स, बिल्कुल, बिकॉज ये समय मतलब मानिए ना माने, आप जैसे हम पिछले आप डिस्कस कर रहे, कितने ही आप मूवीज देख लेंगे, वैसे भी हम लोग 9-10 घंटे अपने लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ वर्क और व्हाटएवर, फिर आप टेलीविजन में लगे रहते हैं, तो और यू नो फोन पे, फिर आप सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आप करते ही रहेंगे. तो ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज. तो ना चाहते हुए मेरे को करनी शुरू करनी पड़ रही है, एंड आई थिंक करना ही पड़ेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिजन सिचुएशन, यहां पर हीरो अपने सेल के अंदर एक्सरसाइज करता रहता है. बिल्कुल, तो मैं उसी पे आता हूँ. तो मैं अभी 3 ही एप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बोल देता हूँ, ये ऐप्स मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ. पहली है ऑफकोर्स नाइकी ट्रेनिंग ऐप, एंड इस टाइम पे ये लोग भी अपना प्रीमियम वर्जन आपको फ्री दे रहे हैं, तो फ्री. सो ऑफ कोर्स मैंने वो उसका बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स आपका ये है कि आप इसको डाउनलोड करेंगे, प्रीमियम वर्जन आपको कुछ समय के लिए फ्री मिल रहा है जब तक ये संकट की घड़ी हमारे सर पे है. तो और बेसिकली आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ही हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में. सो वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट काफी फिट लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनको देख के थोड़ा अच्छा लगता है. दूसरी ऐप जो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है और काफी पुरानी ऐप है, नाम से बड़ा चलता है, एंड आई रेकमेंड कि आप जॉनसन एंड जॉनसन वाली का इस्तेमाल करें. बहुत पुरानी ऐप है, काफी इंटरेस्टिंग है, 9 मिनट का वर्कआउट और बैंड बज जाते हैं. बट ऑफ कोर्स यू कैन स्केल अप आल्सो, जस्ट यू नो योर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. फिर ऑफ कोर्स जैसे हितेश बोल रहा था यार, मेडिटेशन भी इस टाइम पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो मेरी फेवरेट ऐप है इट्स कॉल्ड वेकिंग अप ऐप बाय सैम हैरिस, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है. इट्स ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, कुछ मंत्रा कुछ नहीं है, जस्ट बी इन द मोमेंट. मैं गौरव की बात पे आगे बढ़ा रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि ऑफ कोर्स ये ऐप्स जो मेडिटेशन है, एक्सरसाइजिंग है, ये तो हमें करता ही रहना चाहिए. अभी इन चीज का रिक्वायरमेंट हमें इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हम लोगों का एक स्केड्यूल है वो बिगड़ चुका है. सो बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है क्योंकि सिंस हम एक लॉन्ग वर्किंग आवर्स में चाहे काम कर रहे हैं बट हमारी बॉडी उतनी नहीं थक रही है, तो हम लोगों को रात को नींद टाइम पे नहीं आ रही है. तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि हम लोग इन एप्स का इस्तेमाल करके एटलीस्ट अपने आप को
कभी कभी आपको जब आपको सोने में प्रॉब्लम है तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, आई थिंक एक ऐप है विच इज कॉल्ड काम, तो वो उसके जो जो मेडिटेशन साउंड है दैट लेट्स यू स्लीप यू नो कंफर्टेबली, तो आई थिंक शायद आप वो ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा कुछ ऐसी ऐप्स की तरफ हितेश जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी पर आप उनकी हमें वैल्यू पता चल रही है और एक्चुअली वो लोग काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये तो चार पांच ऐसी ऐप्स हैं हितेश जो कि इस समय कंट्रीब्यूट कर रही है। आई मीन जस्ट इमेजिन अगर कोई अकेला रह रहा है बाहर से उसको खाना बनाना नहीं आता तो ऑर्डर कर सकता है अभी भी, हालांकि हम फिर भी एडवाइस करेंगे आप अवॉइड करें हो, बट अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो ऑफकोर्स आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट इस चीज में जोमैटो ने अभी शुरू किया है, मतलब पिछले कुछ तीन चार दिन से मैंने ये न्यूज में पढ़ रहा हूँ, और दीपेंद्र गोयल जो उनके सीईओ है उन्होंने भी अनाउंस किया कि दे हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 80 इंडियन सिटीज, जहां से वो लोग आपके जो नियर बाय स्टोर्स हैं जो कि ग्रोसरी स्टोर्स हैं उधर से आपको सामान उसी दामों में लाके आपको दे रहे हैं आप उस स्टोर, बट बेसिकली वो असेंशियल्स हैं जो भी उसमें आपको दूध हो गया, जो भी आपके बेसिक सामान है आपके चाय पत्ती, जो भी बिस्किट्स हैं, जो भी बेसिक डेली नीड्स हैं वो आपको वो ऐप के थ्रू आप उन स्टोर से सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं। गौरव, आई थिंक इस मोमेंट में हमें इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितनी भी ये ऐप्स हैं, और इसमें मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन को भी ऐड करना चाहूंगा कि वो लोग भी एसेंशियल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं इस समय, इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो सब अभी भी बाहर हैं रस्तों पर हम तक ये सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इस टाइम पे इनफैक्ट सभी जो लोग जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि एसेंशियल सर्विसेज इंटैक्ट रहे, और इस टाइम पे मतलब हर किसी की एक्सपेक्टेशन यार कुछ मिल जाए, और सुपर से अगर आपको घर पे मिल जाए, इनफैक्ट आपके गेट तक सोसाइटी तक ही मिल जाए, मतलब इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। पर हाँ, फिर भी मैं लोगों को कि हैव थोड़ा प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए इस मामले में, आई एम श्योर कंपनी सब कर रही हैं, पर आप थोड़ा प्रिकॉशन जरूर लें, आप कुछ चीज भी हैंडल कर रहे हैं मतलब सोचें, नहीं सोच पा रहे तो कंटेजन फिल्म जरूर देखें, या कुछ भी ले रहे मेक श्योर आप ग्लव्स पहन के उसको रिसीव करें, पुट इट इन अ प्लेस, मतलब ये नहीं कि सीधा आके डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया आपने खाना, एक थोड़ी प्लेस असाइन कर दें, मे बी एक न्यूज पेपर को रख दें उसके ऊपर खाना रखें, मे बी खाने को रीहीट कर दें, देयर इज नो हार्म, बट थोड़ा प्रिकॉशन आई थिंक कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी यार ये वायरस है यार, ये पता नहीं कहां से आ जाएगा मेरे को, समटाइम्स यू नो इट स्टिल गिव्स मी नाइटमेयर्स मैन। तो ये कुछ एप्स है जो आप लोग इस वक्त यूज कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, हमने आपको बताया जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, व्हाट्सएप ऑफ कोर्स आप व्हाट्सएप कॉल्स कर सकते हैं, स्काइप को अगर आप प्रोफेशनली यूज कर रहे तो वहां पे स्काइप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हाउस पार्टी है उस पर आप गेम्स भी खेल सकते हैं, गेमिंग के लिए पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी है, लूडो किंग है, अगर आपको लूडो का शौक है, बचपन की याद थोड़ी ताजा करना चाहते हैं तो लूडो किंग है। फिटनेस के लिए गौरव हमने क्या बात करी थी, मैंने नाइकी ट्रेनिंग ऐप के बारे में बात की थी आप लोगों से, और फॉर मेडिटेशन मैंने कहा था वेकिंग अप विद सैम हैरिस, सैम ने बताया ऑफ कोर्स मेडिटेशन के लिए काम ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको अपने एसेंशियल्स ऑर्डर करने हैं तो देन देयर इज ऑफ कोर्स बिग बास्केट, ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी और जोमैटो आपको खाना डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सारी ऐप्स हैं जो आप इन दिनों यूज करके अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टिकटॉक्स के नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर आपको जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग कोरोना वायरस के चक्कर में इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आगे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, चाइना हैज सॉर्ट ऑफ रिज्यूम्ड इट्स वर्क, तो वहाँ पे लॉन्चेस शुरू हो गए हैं, स्टार्टिंग ऑफ हम लोग ओप्पो का रेनो एस टू देख सकते हैं, और हम लोग वन प्लस 8 सीरीज विच इज लाइक द मच एंटिसिपेटेड, वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा, ऑल्दो सब कुछ लीक हो चुका है वन प्लस 8 सीरीज के बारे में, बहुत सारी चीजें वहां उन कंपनी ने इटसेल्फ बता दी है, बट अभी हम लोगों को यही है कि वो प्राइसिंग क्या होगा, वो क्या उस सेगमेंट से ऊपर जाएंगे, 70 प्रो से भी ऊपर वाले सेगमेंट में जाने वाले हैं, क्योंकि अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और बहुत सारी ऐसी चीजें वो एक स्टैंडर्ड की तरह वापस आएंगी, तो वो हम अगले हफ्ते इस बारे में बात जरूर करेंगे जब वो लॉन्च होता है। आज पोको ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अब ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च करने वाला है बहुत जल्दी, उस पर उसने काम शुरू कर दिया है, तो एक और प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम हो गए अगले हफ्ते, एक लंबा एक बड़ा अच्छा
एक्चुअली एक और अच्छा बड़ा रूमर आया है विच इज फ्रॉम एलजी. एलजी हैज बीन क्वाइट लेड बैक विद द लॉन्चेस फ्रॉम रीसेंट पास्ट. अभी उन्होंने उन्होंने जो उनकी जी सीरीज थी जो एक्सपेक्टेड थी हम लोगों को MWC में, बट बिकॉज MWC नहीं हुआ है तो वो एक ऑन एक डिफरेंट सीरीज लेके आने वाले हैं. उसका नाम उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो नेक्स्ट मंथ May 15 को लॉन्च हो सकती है एंड दैट विल रिप्लेस द जी सीरीज. अगले हफ्ते फिर से बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, डिटेल में प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे. वन प्लस ऑफ कोर्स एक बड़ा लॉन्च है जो अगले हफ्ते होने वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हितेश आपका हमसे जुड़ने के लिए. देखते रहिए जी बिजनेस. गो कोरोना गो.